तो आपसे गुजारिश है वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे, सुबह सुबह निकलो वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मजलिस को मजबूत करना, तुम मजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है, जो आपके आबाजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है, सब यही बोलते कि काश हमारे पास मजलिस होती। मगर मजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं, हां एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है इन्हें वैसा है। अरे प्यारे मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते अरे क्या है हजरत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे ये 70,000 के बराबर है, ये मजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए, हमारा पूरे फेस्टिवल पूरा अमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए, अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन। मुसलमान अब निकलेंगे पूरे, ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दवा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मजलिस ऐसी है, 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मजलिस 1,000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी। ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नकोरे भाई नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मजलिस काम कर